हेलो, तो चलो यारो, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर आपको बोर्ड आंसर शीट पे कैसे प्रेजेंट करना है। यस, वीडियो के साथ हम लोग आगे जाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये जो पेपर है मैंने हमारे स्टूडेंट से लिखवा के लिया हूं और ये मार्क्स मैंने खुद एलोकेट किए हैं। कहां पे अगर कंटेंट आपको एक्सट्रीमली मतलब थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा तो आप समझ जाना कि हमने वो आपके लिए बनवाया है पेपर, सो दैट आप कैसा पेपर बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। द वे ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द वे ऑफ राइटिंग डिस्टिंग्विश, द वे ऑफ राइटिंग जस्टिफाई द फॉलोइंग, द वे ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर, ये सब कैसा होना चाहिए ये हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने से पहले हमने पास्ट पेपर्स, अगर कुछ टॉपर्स के पेपर्स वो हमने आंसर शीट बोर्ड से मंगाए मिलता है। एज यू नो, अगर आपका कोई करेक्शन वगैरह होगा या फिर आप सैंपल कॉपी अगर मंगाना चाहते हो आपका आंसर शीट का, जो भी टॉपर ने पेपर लिखा है अगर वो आंसर शीट हम मंगाना चाहते हैं तो हम मंगा सकते हैं। वो एनालिसिस करके किस बच्चे को उन्होंने आउट ऑफ मार्क्स दिया है या फिर नियर बाय आउट ऑफ मार्क्स दिया है, वो सब एनालिसिस करके मैं आपके लिए ये आंसर शीट बनवाया है और ये मैंने चेक किया है। सो पहले एंड तक आप बच्चे वीडियो नहीं देखते और पहले से ही अपना ओपिनियन बना लेते हो। तो हमने ये आंसर शीट इसलिए बनाया है कि आपको एक आइडिया आ जाए कि बोर्ड में आपको आंसर एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चेक करके दिया है मैंने। आगे आपका बोर्ड आंसर शीट कुछ ऐसा ही होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट और ये ऑब्जेक्टिव्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप जो फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आंसर लिखते हो उसको अंडरलाइन करोगे आप। नेक्स्ट बी वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है, ये मैच द पेयर्स है, यहाँ पे ग्रुप ए और सामने आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, राइट। सो दिस शुड बी द वे ऑफ राइटिंग। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट है उसका भी एक क्वेश्चन पेपर, जो ये आंसर शीट है उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स, प्रॉपर नंबर दोगे आप, राइट, और डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, पूरा स्टेटमेंट देन ट्रू दे फॉल्स वो सब करते नहीं बैठना, डायरेक्टली आंसर लिखना प्रॉपर नंबर देके, ठीक है। नेक्स्ट ये आंसर इन वन वर्ड था तो उसके लिए भी आपको सेम वे में लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखो प्रॉपर नंबरिंग करके। उसके बाद यस, ये डिफाइन द टर्म, ये आपको परफेक्टली देखने की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं नॉर्मली। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 होता है और यहाँ पे डिफाइन द टर्म में आया था मैनेजमेंट, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स का आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ज्यादा बड़ा ही पॉइंट्स होना चाहिए, एटलीस्ट डेढ़ दो लाइन्स का आपका एक्सप्लेनेशन होगा तो और सही रहेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट सेम वे में लिखा है, 4 पॉइंट चाहिए, एक एक लाइन का गैप आप बीच में छोड़ोगे और ये दिस शुड बी द वे ऑफ राइटिंग। जैसे कि ये एक डिफाइन द टर्म है, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स। अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लेनेशन ये बच्चे ने लिखा है, पर आप हार्डली दो लाइन्स का एक्सप्लेनेशन लिख के समाप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन होता है माय डियर, ये सेम ही है, डिफाइन द टर्म का ही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी का क्वेश्चन है और केस स्टडी आप सिर्फ यस नो या फिर सिर्फ नाम ऐसा नहीं लिख सकते, वन वर्ड का आंसर नहीं है ये। आपका जो भी जैसे कि 3 क्वेश्चंस रहते हैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी में, तो आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है और जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर होता है उसको क्या करोगे आप अंडरलाइन करोगे, मेन पार्ट ऑफ आंसर उसको क्या करोगे अंडरलाइन करोगे, ये होना चाहिए, ये अट्रैक्टिव होता है ताकि आपका जो मेन आंसर है उस पर ही एग्जामिनर का नजर जाता है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन वो फॉर्मेट में लिखे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो द वे ऑफ राइटिंग डिस्टिंग्विश, राइट, डिस्टिंग्विश का लिखने का तरीका देख सकते हो आप, पॉइंटर्स का नाम यहाँ पे मिडल में लिखा है, देन उसका एक्सप्लेनेशन, पॉइंटर्स एक्सप्लेनेशन, पॉइंटर्स एक्सप्लेनेशन, दिस शुड बी द वे ऑफ राइटिंग, राइट। अभी मैंने कितना मार्क्स दिया है, कहाँ पे गलत लिखा है वो सब जाने दो, आप देखो द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, कैसे प्रेजेंट किया है, तो ये फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन देना है, राइट। चलिए सेम, तो डिस्टिंग्विश का मैंने बता दिया, सर कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का, हाउ मेनी पॉइंट शुड बी देयर। अगर आप परफेक्टली 4 to 5 पॉइंट्स आप परफेक्ट लिखते हो,
राइट, तो भी चल जाएगा, अदरवाइज तो 6-7 भी फिर कमी गिर जाएगा बच्चों के लिए। परफेक्ट लिखो राइट, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वर्ड टू वर्ड अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो 4-5 पॉइंट इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, चलिए नाउ ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन दोनों में से एक कुछ तो आपके क्वेश्चन का हिस्सा होना चाहिए, या तो आप मीनिंग लिखो या तो इंट्रोडक्शन लिखो अंडरलाइन करके 3-4 लाइंस, देन फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी इन्होंने कितना एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस मत करिए, प्रेजेंटेशन देखिए। ठीक, देखो राइट, जैसे कि पॉइंटर है, अंडरलाइन किया एक लाइन छोड़ के उसका एक्सप्लेनेशन, ये जब आंसर शीट आपके सामने रहेगा ना तो एग्जामिनर जब चेक कर रहा है तो उसके लिए वो दिखने के लिए भी आपका आंसर शीट अट्रैक्टिव लगेगा, और वही अट्रैक्टिवनेस हमको आपके आंसर शीट में चाहिए। ठीक है, चलिए तो यस, आगे का दो क्वेश्चन सेम रहेगा। नेक्स्ट हमको देखना है जस्टिफाई द फॉलोइंग कैसे लिखा जाएगा। सो देखिए, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जस्टिफाई द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 राइट। तो उसका आपने क्वेश्चन लिखा, देन कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी जस्टिफाइड एज फॉलोज, तो उसका जस्टिफिकेशन आपने, अभी इन्होंने ज्यादा ही बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, बट मैंने बोला जैसे कि डेढ़ दो लाइन का भी एक्सप्लेनेशन होगा तो भी चलेगा आपका राइट। तो ऐसे आपको 5-6 पॉइंट्स राइट, 5 पॉइंट भी हो गए, 4 पॉइंट भी चलेंगे अगर आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कुछ ज्यादा रहेगा तो। ठीक, और एंड में बेकायदा आपको कंक्लूजन ऐड करना है, सो दैट आपका एक परफेक्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा और पॉसिबल है कि वो अगले पेज पे भी आंसर आपका जाए राइट। तो कंक्लूजन कैसे, वो भी आप देख सकते हो ऑन अकाउंट ऑफ अबाउट डिटेल। हालांकि हमने इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो अपलोड किया है, वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, सब मिल जाएगा। गॉट इट, चेक। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, थैंक यू। यस, तो ये वे में आप लिख सकते हो, ये जस्टिफाई द फॉलोइंग दो रहेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट है, सॉरी सेकेंड लास्ट मतलब सेम शॉर्ट नोट टाइप आप लिख सकते हो, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन मेन जो आपका आंसर रहेगा वो, और आपका प्रेजेंटेशन खाली मैटर करेगा, जो पॉइंटर आप लिखोगे उसको आपको प्रॉपर अंडरलाइन करना है राइट। उसके बाद सेम ये सेकेंड लिखा है उन्होंने, और यस सर लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, कितना पेज का आंसर होना चाहिए राइट, वो सब आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है माय डियर। सो इंट्रोडक्शन मीनिंग ये दोनों होना चाहिए, देखिए 3 पार्ट हो सकता है, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन, आपको कोई तो दो यहाँ पे आना चाहिए। सो इन्होंने जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखा है और मीनिंग लिखा है, अभी ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है 3 लाइन्स 4 लाइन्स राइट। उसके बाद में देखियो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, मैं नहीं चाहता कि आप ये तीनों ही लिखो, जरूरी नहीं है, बट कोई तो दो आपको लिखना पड़ेगा राइट। यस, और देन इंपॉर्टेंस ऑफ जो भी मार्केटिंग क्वेश्चन था, तो पॉइंटर्स एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे एटलीस्ट 7 पॉइंट्स के अराउंड पॉइंटर्स यहाँ पे होने चाहिए, और ये क्वेश्चन में भी आप एंड में कंक्लूजन चाहिए तो ऐड कर सकते हो, अभी इन्होंने किया है नहीं किया है कंक्लूजन वाला ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग था, एवरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फिक्स, ये सब आएगा। तो ऑन अकाउंट ऑफ अबाउट डिटेल आंसर इट कैन बी स्टेटेड दैट देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग राइट। सो ये दिस वे में हो सकता है आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट। और एक चीज आप याद रखिए, देखते ही आपका आंसर जो जब देखा जाएगा तभी इंप्रेसिव लगना चाहिए, मतलब आपका एक समझो ना, आपका आंसर शीट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जब वो चेक करेगा, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए, अंडरलाइनिंग आपने प्रॉपर अगर किया रहेगा तो वो रीड नहीं करेगा ज्यादा, पॉइंटर्स अगर आपने अच्छे से लिखे रहेंगे, एक्सप्लेनेशन आपने खुद के मन से भी लिखा रहेगा तो ज्यादा वो चेक नहीं करेंगे, उनको चाहिए एक परफेक्ट अट्रैक्टिवनेस, करेक्ट पॉइंटर्स, और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करो तो काम सिंपल बन जाता है। सेम वे में हम आपको एसपी का, अकाउंट्स का राइट, इकोनॉमिक्स का आंसर शीट, इंग्लिश का आंसर शीट आप कैसे लिख सकते हो उसके ऊपर भी हम लोग एक मॉडल मैं बच्चों से लिखा के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो ये होना चाहिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और मुझे पर्सनली लगा था कि आपके लिए ये ऐसा चीज मैं बना के आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, अदरवाइज हमारे बच्चों ने जिन्होंने ये आंसर शीट लिखना था उनका तो प्रैक्टिस हो ही गया है, बट मैं चाहता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत हम नॉलेज एडिशन करें,
और आई होप यहां से आपको फायदा हुआ रहेगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।